तो पुली जिसके अंदर तीन ब्लॉक्स हैं, रूल नंबर वन, सबसे पहले इसमें अगर मैं वेट की बात करूं तो बोलो इसका वेट क्या है, 5G, तो ये सबने ड्रॉ किया 5G। फिर दूसरा इसका वेट क्या है, 10G, और इसका वेट क्या है, 15G। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये 10G और ये 15G, क्या सबने ऐसे ड्रॉ किया, रूल नंबर वन, वेट तो बनना ही बनना है। रूल नंबर टू, अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर ये एक रस्सी है, यहां से यहां तक एक रस्सी है जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक आ रही है, एक रस्सी है। ये जो रस्सी है या ये जो पूरा एक स्ट्रिंग है, ये टाइट है, इसमें टेंशन है, इसमें टेंशन है। तो इसमें टेंशन कैसे बनेगी, जैसे सिखाया था कि ये टी एंड टी, टी एंड टी, और यहां पर भी टी एंड टी, टी एंड टी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, टी एंड टी, टी एंड टी क्लियर है। इसमें एक टेंशन हमेशा यूनिफॉर्म होती है, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, पर टेंशन रहती एक रस्सी में रहती है, तो सेम ही है। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, सेम नहीं है, कॉन्टिन्यू नहीं हो रही, ब्रेक करके दूसरी लगाई है। इसमें और इसमें टेंशन सेम नहीं होगी, क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि इसने सिर्फ किसको उठाना है, 15 kg को, इसने किसको उठाना है, 10 kg और 15 kg को। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें टेंशन होगी तो पेयर में इक्वल एंड ऑपोजिट कितनी, टी डैश एंड टी डैश, क्या ये पॉइंट क्लियर है, टी डैश एंड टी डैश क्लियर है, ठीक है। टेंशन एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी दो टेंशन, दो अलग अलग रस्सियों में सेम टेंशन कभी नहीं होगी, बात खत्म। हाँ, होगी पेयर में टी एंड टी डैश एंड टी डैश। अब फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करें, तो फ्री बॉडी डायग्राम में पहले डिसाइड करते हैं कौन कहां जा रहा है, पूरा सिस्टम नीचे आएगा, ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, ये स्टेप क्लियर है यहां तक, नीचे एंड ऊपर क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके अंदर सपोज करो जैसे मैं इक्वेशन बनाता हूं इसकी, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये कहां जा रहा है, ऊपर। इक्वेशन बोलो क्या बनेगी, टी बड़ा कि 5G, टी टी माइनस 5G इज इक्वल टू 5 × 1, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, नेक्स्ट, अब बात करते हैं 10 kg की। देखो जो 10 kg है, जो 10 kg है, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन आएगा, ये आएंगी, ये देख रहे हो लाइट सा बना दिया मैंने ये रहा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इसके इमीडिएटली ऊपर और इमीडिएटली नीचे जो वेक्टर्स हैं वो देखने हैं। तो ऊपर क्या है, टी, नीचे क्या है, 10G और टी डैश, और क्योंकि ब्लॉक कहां आ रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स होगी नीचे की फोर्स कितनी है, 10G प्लस टी डैश माइनस ऊपर की फोर्स क्या है, टी। तो नीचे की फोर्सेज माइनस ऊपर की फोर्सेज इज इक्वल टू 10 × a, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, राइट, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 5G इज 5A, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इन दोनों का सम नेट फोर्स माइनस टी इज 10A, और ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, ये कहां जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 15G माइनस टी डैश इज इक्वल टू 15 × a, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, इक्वेशन समझ में आ रही है। और अगर आप इन्हें ऐड करें, टी से टी, टी डैश से टी डैश कैंसल, इसका मतलब मेरी इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, अगर कोई बच जाता तो फिर गलत है। तो इस केस में क्या बनेगा, आप ऐड करें, माइनस 5G प्लस 10G प्लस 15G इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25A, सॉल्व करके क्या आएगा, a को ऊपर पुट करके क्या आएगा, टी और टी डैश। कैलकुलेशन छोड़ो, इक्वेशंस और डायग्राम समझ में आ रहे हैं सबको, मेन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 5G 5A, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 15G माइनस टी डैश 15 है, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इसके नीचे एक नहीं, इसके नीचे दो फोर्सेस हैं, कहां पे, हाँ 30, ओके 30 आएगा, ओके तो यहां पर 30 कर लेना प्लीज, ठीक है। तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक, ये इक्वेशन समझ में आ रही है, इन दोनों का सम माइनस टी इज 10 है, खुद लगा के देखो। ये लो, ये क्वेश्चन लो, एक सपोज करो आपके पास एक ये पुली है, ये री, और सपोज इसमें ये यहां सीलिंग, ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा दूसरा ब्लॉक, ये रहा तीसरा ब्लॉक, ठीक। इसके अंदर
इसका जो वेट है ये मान लो 15 केजी है, ये मान लो 5 केजी है, ये मान लो 2 केजी है, तो आपको एक्सेलेरेशन और टेंशन बतानी है इसमें क्या होगी, ट्राई करें। ठीक है, तो इसमें देखो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो वेट है, यहाँ पर जो वेट है, यहाँ का जो वेट है वो क्या होगा, यहाँ का वेट अगर हम लेंगे तो कितना आएगा 15g, यहाँ का वेट क्या आएगा 5g, यहाँ का वेट क्या आएगा 2g, कोई डाउट? नेक्स्ट है इसके अंदर टेंशन, टेंशन टी और टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी डैश डिफरेंट करो, यहाँ पर टेंशन टी डैश डिफरेंट करो, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है मुझे, ये सिस्टम जाएगा कैसे, ये नीचे आएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए और ये ऊपर आएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, राइट? तो क्योंकि भारी है ये हल्का है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स बड़ी, 15g माइनस टी इज इक्वल टू 15 इंटू ए, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में बस ये आएगा, तो ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस नीचे की फोर्सेस कौन सी है, 5g एंड टी डैश इज इक्वल टू 5 इंटू ए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ठीक है, और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो टू ऊपर जा रहा है सॉरी, तो क्या आएगा इसमें, टी डैश माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3। तो इसे जब ओपन करेंगे दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव होने का मतलब टी माइनस 5g
माइनस टी डैश इज इक्वल टू 5a, तो अगर आप इसे इसे और इसे ऐड करें, टी डैश से टी डैश से टी से टी क्या हो गया, कैंसल, तो अपने आप ए आ जाएगा, ए आ गया तो टी और टी डैश आ जाएगा। मेरा काम है कैंसिल करने का, अगर कैंसिल हो गया यानी कि इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, फिर आपका मैथ्स से जो काम है आप करते रहना। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?